तो फाइनली भाई लोग एसआरके की नई मूवी जवान थिएटर में रिलीज हो चुकी है और लगभग हर जगह थिएटर के बाहर लगे हाउसफुल के बोर्ड इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि बॉलीवुड के बादशाह अभी असल में जिंदा हैं। इटली कुमार के डायरेक्शन में बनी जवान में वो सब कुछ है जो एक ब्लॉकबस्टर मूवी में होना चाहिए। एंड भाई मॉर्निंग के शो देखने वालों की नींद उड़ाने वाली इस मूवी में एक्शन के साथ साथ रोमांस का भी तड़का लगाया गया है और साथ ही इसमें स्वादानुसार सोशल मैसेज भी शामिल किया गया है। इससे पहले हमने साउथ फिल्मों के कई हिंदी रीमेक देखे हैं लेकिन इटली कुमार ने एसआरके को ही साउथ खासकर तमिल स्टाइल में ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया है। गर्ल्स अगर मूवी जवान की बात करें तो इस मूवी की बेसिक कहानी हमने कई साउथ की मूवी में पहले देखी है, फिर वो एक्टर का डबल रोल हो, उसकी रोबिन हुड वाली इमेज हो या फिर फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट में घूम रही उसकी स्टोरी। डबल रोल में इटली कुमार माहिर है लेकिन एसआरके को इस अंदाज में बड़े पर्दे पर देखना एक शानदार अनुभव है। ये मूवी 100% शाहरुख खान स्टाइल वाली मूवी है। 57 की एज में वो जिस तरह से लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं तो यही साबित होता है कि उम्र महज एक नंबर बनकर रह गया है। अब बात मूवी की बिना कोई स्पॉइलर दिए कहानी की कर लेते हैं। ये कहानी है एक जवान की जिसकी जिंदगी एक भ्रष्ट गवर्नमेंट सिस्टम की वजह से खराब हो जाती है और फिर किसी तरह से उसका बेटा इस सिस्टम का ही इस्तेमाल करके उस सिस्टम को ठीक करता है। कहानी में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, गरीबों के हक की बात है, किसानों की आत्महत्या की बात है और हमारे खराब हेल्थ सिस्टम की बात है और साथ में सही नेता को वोटिंग करने की बात है। कहानी कोई नई नहीं लेकिन जिस तरह से ये कही गई है उसे देखने के लिए आप पल भर की देरी किए बिना ही थिएटर चले जाइए। गाइस ये मूवी एकदम शानदार टाइप है। पहले 30 मिनट तो बवाल, इसके बाद गाने मूवी की पेस को थोड़ा स्लो कर देते हैं लेकिन इतना भी कुछ ज्यादा नहीं। मूवी में एक के बाद एक ट्विस्ट आएंगे और आप साथ के साथ हैरान होते चले जाएंगे। मूवी में किंग खान स्क्रीन पर जो करिश्मा चलाएंगे उसे आप बस थिएटर में बैठकर ही महसूस कर सकते हैं। उसे किसी तरह की मूवी रिव्यू से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मूवी में एक के बाद एक किंग खान नए अवतार में आपको दिखेंगे और एकदम बवाल टाइप लगेंगे। शाहरुख ने अब तक भले ही रोमांस किया हो लेकिन ये मूवी बताती है कि किंग खान वाकई में किंग हैं और वो जब अपना मैजिक चलाते हैं तो हर मैजिक उसके सामने फेल हो जाता है। मूवी में अगर गानों को छोड़ दिया जाए तो कुछ भी आपको बोरिंग टाइप का नहीं लगेगा और आप लगातार एक जबरदस्त तरीके से एंटरटेन होते रहेंगे। मूवी में किंग खान की एक्टिंग भी एकदम कमाल और बवाल टाइप की है जिसके हर एक एक सीन और एक एक डायलॉग पर आप सीटियां बजाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो वहीं भाई दूसरी ओर विजय सेतुपति ने भी विलन के रोल में जान डाल दी है। एक हीरो की हीरोगिरी तभी सामने आती है जब विलेन दमदार हो और काली से ज्यादा दमदार विलेन इस मूवी के लिए और कोई हो ही नहीं सकता था। इटली कुमार ने मूवी जवान को जबरदस्त तरीके से बनाया है साउथ के मसालों के साथ। किंग खान को शायद इससे बेहतर तरीके से पेश नहीं किया जा सकता था। एक्शन सीक्वेंस भी एकदम जबरदस्त तरीके के हैं और कुछ सीक्वेंस तो काफी आपको हैरान भी करेंगे। इटली कुमार ने इस मूवी पर अपनी पकड़ बनाए रखी है। किसानों के सुसाइड वाले सीन जिस इमोशनल तरीके से शूट किए गए हैं उसे देखने के बाद भाई आपके आंखों में आंसू ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसके साथ साथ अहम मुद्दों को भी मूवी में गजब एंटरटेनिंग तरीके से दिखाया गया है। तो भाई अब फाइनली बात किया, आपको किंग खान की जवान देखनी चाहिए या नहीं? शाहरुख खान की जवान आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए क्योंकि ये मूवी अपने साथ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज लेकर आई है। किसानों की आत्महत्या हो या फिर आर्मी के हथियारों की क्वालिटी के साथ होने वाली छेड़छाड़, भाई एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद एक कमर्शियल बॉलीवुड मूवी में इन सब के बारे में बात की गई है जिसे आमतौर पर डॉक्यूमेंट्री तक ही सीमित रखा जाता है। कुल मिलाकर गाइस अगर आप सिनेमा और शाहरुख के दीवाने हैं तो तुरंत टिकट खिड़की पर जाकर टिकट बुक करवा लीजिए क्योंकि भाई थिएटर स्टेडियम में कैसे बदलता है ये आपको वहीं जाकर पता लगेगा। फिलहाल आपकी क्या राय है इस मूवी को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मूवी रिव्यू जर्नी में आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।